गुड इवनिंग ऑल स्टूडेंट्स, आप का इस चैनल में हार्दिक स्वागत है। और आज आप लोगों के लिए एक वैकेंसी और नया निकल के आया है, जिसमें आज आप देखेंगे कि CRPF रिक्रूटमेंट्स 2022 322 हेड कांस्टेबल पोस्ट आया हुआ है। तो आप स्क्रीन में देख सकते हैं बहुत आसानी से कि ये द नेम ऑफ द पोस्ट दिया है, CRPF हेड कांस्टेबल ऑफलाइन फॉर्म है, या ऑनलाइन नहीं भरा जाएगा, या आपको यहाँ से ऑफलाइन भरा जाएगा। इसका जो आया हुआ है जो डेट पोस्ट डेट है 20/10/2022 का है, और लेटेस्ट अपडेट है 27/10/2022, और वैकेंसी का टोटल पोस्ट है 322। तो ये जो पोस्ट है इसमें से आप कौन भर सकता है, ये आप लोगों को जानकारी देते हैं कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, इसका फुल फॉर्म है CRPF, हैज पब्लिश नोटिफिकेशन फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ हेड कांस्टेबल स्पोर्ट्स कोटा वैकेंसी। जो लोग खेल से संबंध रखते हैं, यानी अब वो खिलाड़ी हैं, स्टेट लेवल या नेशनल लेवल में खेल चुके हैं और उनके पास सर्टिफिकेट भी है, तो आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं, अन्यथा नहीं है। तो इसमें से आपको जनरल और ओबीसी का जो फॉर्म भरने का जो पैसा लगेगा आपको 100 रुपया लगेगा, उसमें से कौन सा पेमेंट होगा जो इंडियन पोस्टल ऑर्डर और बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से आपको लगाना होगा। एससी और एसटी फीमेल कैंडिडेट के लिए नील है, उसमें उसका पैसा नहीं लगेगा। और दूसरा है लास्ट डेट ऑफ रिसीव ऑफ द एप्लीकेशन, मैंने 30 दिन, जब डेट जो निकला हुआ है उसका 30 दिन के अंदर में जो आपको है आपको अंदर में आपको भर देना चाहिए एप्लीकेशन को। और उसका एज से रिलेटेड संबंधित है, जैसे मिनिमम एज है 18 साल और मैक्सिमम एज है 23 साल, लेकिन जो सरकार का रूल है छूट दिया हुआ है, जिसमें ओबीसी के लिए 3 साल, एसटी के लिए से 3 साल या ज़्यादा है देख लेते हैं, वो आपको जो है उस रूल जो है वही रहेगा ही, उसमें कोई बदलाव नहीं है। और हेड कांस्टेबल कितना सीट है देखिए, मेल के लड़का के लिए 257 है और लड़की के लिए है 65 सीट है। अब यहाँ पर इतना जानने के बाद जो है हम लोग थोड़ा सा नोटिफिकेशन के बारे में भी जान लेते हैं, इसके बाद सीखते हैं। जैसे देखिए मेरा नोटिफिकेशन जो है डाउनलोड हो रहा है, अब यहाँ देखिए नोटिफिकेशन जो है यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। देखिए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये यहाँ पर है लेटेस्ट अपडेट, यहाँ पर दिया है, यही गुजर रहा है यहाँ। देखिए देख लिया आप, उसके बाद से आपको थोड़ा सा खेद के लिए क्षमा आप लोगों से, क्योंकि ये डाउनलोड होने में समय लग गया था, अभी डाउनलोड हो चुका है। चलिए आप लोगों को बारीकी से सारा चीज़ को आपको बताते चलते हैं। तो देखिए एप्लीकेशन का जो है यहाँ 21/11 टू कितना है 20/12 तक, यानी लगभग इतना तारीख से इतना तारीख तक में आपको यहाँ जो है अब वहाँ पर आपको जमा करना पड़ेगा डाक के माध्यम से। तो आप देखिए ऑनलाइन एप्लीकेशन इन्वाइटेड फॉर द एलिजिबल मेल एंड फीमेल कैंडिडेट सिटीजन, आपको भारत का नागरिक होना चाहिए। और हेड कांस्टेबल को पैसा कितना मिलेगा, पे लेवल थर्ड लेवल का मिलेगा 21,700, और होते होते आपका कितना हो जाएगा मैंने 69,169,100, ठीक है, इतना आपको पैसा मिलेगा। अब यहाँ पर बताया जा रहा है क्या क्या होगा। तो देखिए पहले पॉइंट में है एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड थ्रू द ऑनलाइन मोड ओनली, ठीक है। यहाँ पर देखिए वहाँ पर ऑफलाइन मोड लिखा था, और यहाँ पर रिकमेंड में देखिए दिया गया है कि एक्सेप्टेड ऑनलाइन थ्रू मोड में होगा, ठीक है। उसके बाद फिजिकल टेस्ट, स्टैंडर्ड टेस्ट जो होता होगा यह PT होगा, ठीक है। उसके बाद जो है डॉक्यूमेंट्स टेस्ट, जिसका जो जो एग्ज़ाम का है मेडिकल, ये सब कंडक्ट कराया जाएगा। उसके बाद रिटर्न एग्जामिनेशन OMRC पर बेस्ड होगा, कंप्यूटर बेस्ड बस, यानी CBT
के मूड में होगा, आपको कंप्यूटर में बैठ के देना होगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों का मीडियम में यह एग्ज़ाम होगा। दूसरा पॉइंट में आते हैं, देखिए 1.4 में दिया है वेरीफिकेशन ऑफ द रिक्वायरमेंट एलिजिबल कैन सर्टिफिकेट। जो आपको सर्टिफिकेट एलिजिबल होता है, डॉक्यूमेंट होता है, वह ओरिजिनल विल बी देयर बी कैरी आउट एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंटेशन। जब आपका जो डॉक्यूमेंटेशन जब होगा वहाँ पर, तो उसको प्रेजेंट टाइम में आपको ओरिजिनल दिखाना पड़ेगा। वैकेंसीज ऑफ द कॉन्स्टेबल द ट्रेडमैन विल बी द फील्ड ऑन द रीजनल बेसिस। ठीक है, आप वहाँ पर जहाँ जहाँ क्षेत्र में जिस तरह का रिक्वायरमेंट होगा वहाँ पर उस तरह का दिया जाएगा। मान लीजिए कोई पर कंप्यूटर ऑपरेटर है, तो कंप्यूटर का जहाँ बहाली होगा वहाँ पर आपको भेजा जाएगा। फाइनल उसके बाद फिजिकल ये सब सारा हो जाने के बाद, मेडिकल टेस्ट हो जाने के बाद, आपको जो है ट्रीटमेंट मेडिकल एग्जाम हो जाने के बाद कंडीशन सुटेबल फॉर द नोटिफिकेशन, उसके बाद आप लोग को सूचित किया जाएगा। आपका मोबाइल नंबर ये सब कुछ लिया जाएगा, उसके बाद से आपको स्वीकृत। तो एडमिट कार्ड जो आप कहाँ से डाउनलोड करेंगे, तो यहाँ पर एडमिट कार्ड के लिए यहाँ पर साइट दिया है, इस साइट से एडमिट कार्ड आप डाउनलोड कर सकते हैं। 10% ऑफ वैकेंसी विल बी द प्रिफरेबल फील्ड बाय द फीमेल कैंडिडेट, फेलिंग विच इज द सेम विल बी द फील्ड बाय द मेल कैंडिडेट। बोलता अगर यदि मान लीजिए किसी कारण से जो है 50% जो है कैंडिडेट जो है, अगर यदि भरा जाता है कैंडिडेट महिला के द्वारा, तो जो बच जाएगा वह जो है लड़का लोग का, वो नहीं है मान लीजिए महिला आता है, तो वह जो है लड़का को दिया जाएगा। यहाँ पर पेएबल का आपको बता ही दिए हैं। अब देखिए कौन सा जो है रिक्वायरमेंट वैकेंसी जो है, कौन सा कैटेगरी कहाँ कहाँ होता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए कुक है, खाना बनाने के लिए जो है मेल है 247 है और फीमेल 27 है। ठीक है, उसके बाद टेलर है, बार्बर है, वाशरमैन है, स्वीपर है, पेंटर है, मेसन है, प्लम्बर है, माली है, वेल्डर है, ये सब सारा जो है वहाँ पर दिया गया है इस अनुसार। यहाँ पर वैकेंसी द फॉर द डायरेक्ट कैंडिडेट द मेल। ठीक है, मेल कैंडिडेट के लिए जो है वो अगर कुक के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, देखिए यहाँ पर सब सारा पर साउथर्न में है, NCR सेक्टर में है, वेस्टर्न में है, सारा ये दिया गया। आपको जूम करके सारा को आसानी से आप पढ़ लीजिए, जिसको जो आपको जा सकता है। तो उसके बाद जो है यहाँ पर देखते हैं और क्या क्या है। यहाँ ये एक्स सर्विस मैन के लिए है, तो छोड़िए आप एक्स सर्विस के तो आप तो है नहीं। चलिए उसके बाद वहाँ पर भी क्राइटेरिया का दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो है ट्रिबल कास्ट का 5 साल छूट दिया जाएगा, और जो है आपको OBC और अदर क्लास के लिए जो है मैंने 3 साल छूट आपको दिया जाएगा। तो आप यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ तक मेन जो सेना में जब बहाली होता है, तो आप मेन देख लीजिए, यहाँ पर 165 सेंटीमीटर होता है मेल के लिए, और फीमेल के लिए 155 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, और जो चेस्ट होता है, तो मेल के लिए जो 78 से 83 तक होता है, और मैंने 5 सेंटीमीटर जो है मैंने बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, अधिकतर ये आपको लेके चलना पड़ेगा। और कुछ देखते हैं और क्या कुछ दिया है। ऑल कैंडिडेट द बीइंग द टू शेड्यूल ट्राइब्स ट्राइब्स, ये अगर मैंने जो इसी एरिया से बिलोंग करते हैं जहाँ पर जो केंद्रशासित प्रदेश से घोषित किया गया, तो उसका थोड़ा सा ऊंचाई कम किया है 162.5, और वेट कितना होना चाहिए, वेट जो ऊंचाई के साथ उसके अनुसार अनुपात में होना चाहिए, फिजिकल मेजरमेंट के साथ होना चाहिए। और उसके बाद है जो आई साइट जो है 6x6 और 6x9 टू आईज का विदाउट करेक्शन, मैंने चश्मा तस्मा ये सबको कुछ कोई ज़रूरत नहीं है, आपको ऐसे से करना पड़ेगा। टैटू द बीन फिक्स डिटरमाइन द पॉसिबिलिटी ऑफ टैटू, अब इसके बारे में टैटू के बारे में कुछ दिया गया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ये साइज मस्ट बी देन द पासपोर्ट साइज पार्टिकुलर पार्ट एल्बो हेड बॉडी, ये सब उतना मायने नहीं रखता है। चलिए आपको आगे बढ़ते हैं। क्वालिफिकेशन जो है होगा मैट्रिकुलेशन इक्विवेलेंट होगा, और उसके बाद बेसिस कुछ नहीं है। अब जौन सा सेक्टर में आप जाएंगे, उसको यहाँ पर मेल एड्रेस दिया हुआ है एप्लीकेशन का है, जहाँ पर भेजेंगे एड्रेस जहाँ चाहे भेजना है आपको, जहाँ च्वाइस आपका वहाँ पर आप ये भेज सकते हैं। ऑनलाइन में आपको च्वाइस मिलेगा, वहाँ पर आप सेलेक्ट करके आप डाल सकते हैं।
यहाँ पर यह दौड़ के लिए जो है पीटी का एग्ज़ाम के लिए जो यहाँ कैंडिडेट के लिए है फिजिकल जो टेस्ट होगा आपका तो 1.5 किलोमीटर होगा आपका, ठीक है। 6 मिनट 30 सेकंड में आपको 1.5 किलोमीटर चलना होगा। लड़की के लिए 800 मीटर है 4 मिनट में। तो ये आप प्रैक्टिस करने वाला का मैंने कोई दिक्कत नहीं होता है, वह आसानी से कर पाता है। इस वीडियो में इतना ही। अगर यदि ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा तो आपको हम जो वीडियो बनाकर आपको जरूर देंगे। धन्यवाद।